शायद 20 डेज में बच्चे 2 महीने का पढ़ लेते होंगे, मे बी, बट मैंने नहीं पढ़ा। 20 दिन में लोग अपना बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते होंगे, मैंने नहीं करा, मैंने करा नहीं, मैं कर नहीं पाई शायद, क्योंकि हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर लाइब्रेरी। तो आज आप टाइटल देख के समझ गए हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सी इंटर ग्रुप वन की स्ट्रेटजी। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, बट आई थिंक उससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें डिस्कस करनी है, दैट इज द नीड ऑफ द आवर, एंड कोई भी उसे डिस्कस नहीं करा। और ये वीडियो का बनाने का मतलब, मैंने इस वीडियो को सोचा नहीं, जस्ट मैंने अभी यूट्यूब खोला एंड रैंडमली मैं जब स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा हर कोई ये वीडियो बना रहा है, लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटजी, लास्ट 20 डेज स्ट्रेटजी, ये सब्जेक्ट ऐसे पढ़ो, ये सब्जेक्ट वैसे पढ़ो, ये कर लो, वो कर लो, एक दिन को 2 दिन की तरह यूटिलाइज करो। ठीक है, वो व्यूज के लिए या फिर ये ही बच्चे देखते हैं, उनकी भी गलती नहीं है, सब अपने तरीके से आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मेरे को लगता है सब ये सब चीजें बात कर रहे हैं, बट एक चीज जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, दैट इज द मेंटल स्टेट ऑफ अ स्टूडेंट। जब लास्ट 20 दिन बचे हैं और वो थर्ड टफेस्ट एग्जाम इंडिया का जो सबसे उसको देने वाला है, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है उस समय, उस चीज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो शायद मैंने कभी नहीं करा। मैं मई 2022 में मैं सी इंटर बोर्ड ग्रुप देने वाली थी, और आई रिमेम्बर शायद 29th या 28th अप्रैल, 10-20 डेज बचे थे। तो मेरी मेंटल स्टेट उस समय ऐसी थी कि शायद 20 डेज में बच्चे 2 महीने का पढ़ लेते होंगे, मे बी, बट मैंने नहीं पढ़ा। 20 दिन में लोग अपना बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते होंगे, मैंने नहीं करा, मैंने करा नहीं, मैं कर नहीं पाई शायद, क्योंकि उस समय मेरी मेंटल स्टेट इतनी ज्यादा, मेरे पे कह सकते हैं एंजाइटी प्रेशर हो चुका था ना, मैं इस स्टेट में नहीं थी कि मैं पढ़ लूँ। आई वाज लाइक मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे होगा ही नहीं, पता नहीं, मुझे नहीं पता पेपर में क्या करूंगी मैं, क्या नहीं करूंगी। क्योंकि जब आप पिछले अटेम्प्ट की चीजें सुनते हो कि ये पेपर डिफिकल्ट आया और बच्चे उठ उठ के जा रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं लिखा, तो आपको लगता है कि मुझे नहीं पता नहीं क्या होगा, मुझसे होगा या नहीं, वो तो पास हो गए, मैं पास होंगे। तो मेरी मेंटल स्टेट उस समय ऐसी थी कि आई वॉज लाइक मैं 20 दिन, मुझसे कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, और मैंने शायद मोस्टली 20 दिन में से आई थिंक 5 to 6 days ही ढंग से पढ़े होंगे, बाकी मेरे ऐसे एंजाइटी प्रेशर में ही सारे दिन चले गए। क्योंकि यार 20 दिन ऐसा नहीं है कि पहले 7-8 महीने मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैंने पढ़ाई करी है, बट उस वो टाइम आपका ऐसा होता है ना, 20 दिन आपको पता है पेपर सर पे है, और मैं ऑब्वियसली मैं बोर्ड ग्रुप दे रही थी तो 8 सब्जेक्ट मेरे सर पे हैं, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मैं 2 बार रिवाइज कर चुकी हूँ बट मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मेरे को लग रहा है मैं पेपर में जाके करूंगी क्या, अगर पेपर में कुछ अनएक्सपेक्टेड आ गया, कुछ बाहर से आ गया, जैसे स्टोरी सुनी है हमने, तो क्या करूंगी मैं फेल हो जाऊंगी। मतलब इतना ज्यादा वो एंजाइटी और प्रेशर इतना मेरे पे हावी हो चुका था ना। तो उस टाइम मैंने क्या किया, इस चीज को डील आउट करने के लिए बेसिकली 12th क्लास में जिनसे मैं ट्यूशन पढ़ती थी, तो वो मेरे जो टीचर थे जो मुझे मैथ्स पढ़ाते थे, उनसे मेरी काफी अच्छी क्वेश्चन है एंड उनसे मेरी आज भी बातचीत होती है। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनको बताया कि मेरे साथ ऐसे 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 हो रहा है और मैं बिल्कुल पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही। तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा एक काम करो, तुम 1 या 2 दिन का छोड़ दो पढ़ाई से, बिल्कुल कोई बात नहीं, 20 दिन बचे हैं, बट 2 दिन छोड़ दो बिल्कुल पढ़ाई। एंड मैंने वही किया। ऑब्वियसली उस समय पढ़ाई एकदम छोड़ना तो बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि आपको पता 20 दिन है, पेपर आ रहे हैं, पेपर आ रहे हैं, पढ़ाई हो भी नहीं रही, आप करना भी चाहते हो, बट पता नहीं उस समय क्या दिमाग में चल रहा होता है, एंजाइटी प्रेशर क्या होता है कि हो करना भी है बट हो भी नहीं रहा है। तो मैंने छोड़ दी, मतलब पूरी नहीं छोड़ी बट थोड़ा बहुत, शायद मैं ईको कर रही थी सिर्फ प्रिपेयर, बाकी सब मैंने 2 दिन के लिए कुछ नहीं किया। और लिटरली उसके बाद थोड़ा ठीक हुआ, मैंने वो चीजें सोचना बंद किया सबसे पहले कि क्या होगा कैसे होगा, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। और यार ये टाइम ऐसा है ना, आपको अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, ये टाइम ऐसा है जितना काम हो सकते हो, जितना आप कर सकते हो उतना करो। देखो क्योंकि ना, आप मानो या ना मानो, सीए में लग बहुत नाटा करता है, और स्पेशली जब से सीए इंटर का इस बार का रिजल्ट आया, बच्चे पूरा पूरा लिख के आए हैं फिर भी गलत पेपर चेक हो रहे हैं, और मतलब इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है शायद पहले हुई नहीं होगी। तो 20 दिन में, 20 दिन है, हमें उसे यूटिलाइज करना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हमारी मेंटल हेल्थ पे। हमें अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, हमें अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है। जब मेरे को याद है कि मेरे बोर्ड ग्रुप के एग्जाम चल रहे थे, तो लिटरली
18 18 आवर्स आई वॉज सिटिंग एंड मैं पढ़ रही हूँ, खाना नहीं खा रही हूँ, 2 घंटे सो के पेपर देने जा रही हूँ. मतलब मुझे नहीं पता कि वो 15 दिन मेरी बॉडी कैसे झेला है. इतना मतलब बुरा हाल हो गया था मेरे को, और उसको ठीक करने में मुझे 1 महीने लग गया था अपनी बॉडी को वापस साइकिल में लाने के लिए, क्योंकि 15 दिन मैंने इतने बुरे कर दिए थे, 18 18 घंटे 20 20 घंटे बैठना. तो यही है कि ठीक है पढ़ना है बट अपना भी ध्यान रखना है. तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने जब 2 दिन ब्रेक लेने के बाद पढ़ाई की तो मैंने क्या क्या किया. सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कि अकाउंट्स में देखो यार, अकाउंट्स बेसिकली अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो अकाउंट्स की टेंशन मत लो. पेपर डिफिकल्ट लेंदी जरूर आएगा, ये एक्सपेक्ट करके चढ़ना कि लेंदी तो जरूर आएगा, बट अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी बस यही करें कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें प्रैक्टिस करें, और एएस पे एक बार ध्यान देना जरूर, क्योंकि मोस्टली बच्चे ये गलती करते हैं कि एएस रिवाइज नहीं करते. एएस कर लेना और पीवाईक्यू के क्वेश्चन एक बार नजर से जरूर निकालना, क्योंकि हमारे टाइम में भी कुछ क्वेश्चन पता नहीं कितने कितने सालों पुराने क्वेश्चन दोबारा ऐसे दे रही थी. और मैंने भी जब अपना पीवाईक्यू किए थे तो मैं देख रही थी भाई ये तो पिछले साल के रिपीट क्वेश्चन है. तो पीवाईक्यू जरूर देख के जाना अकाउंट्स में. एंड देन लॉ के लिए तो यार देखो, लॉ के लिए बच्चे बोलते हैं केस स्टडी करो, एमसीक्यू करो. मैंने नहीं किए थे, मेरे पे 7 महीने थे, मैं सिलेबस कम्प्लीट कर लूँ वही बहुत बड़ी बात थी. तो अपना मैंने सिर्फ कंसेप्ट किया था उसको रिवाइज. और यार सही में बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम आप कंपनीज एक्ट उठा रहे थे. सबसे पहले कंपनीज एक्ट उठा के आप उसको ही करने लग जाते हो कि नहीं हो. कंपनीज एक्ट आप 10 बार कर लो, आप 15 बार कर लो, कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. तो बेस्ट एडवाइस यही है कि सबसे पहले अदर लॉ से शुरू करो. अदर लॉ आपको बचाएगा, अदर लॉ ही आपको पास कराएगा. तो अगर आपने वो कर लिया ना तो यू आर ऑल सॉर्टेड. कंपनीज एक्ट करो बट सारा टाइम उसमें इन्वेस्टमेंट करो, अदर लॉ आपको सेव करेगा, ये जरूर याद रखना. उसके बाद कॉस्टिंग, यार कॉस्टिंग में इस बार आई थिंक सबके अच्छे नंबर आए हैं, मेरे खुद 59 आए हैं. तो कॉस्टिंग में देखो आपको क्या करना है, मैंने कुछ नहीं याद. कॉस्टिंग में मैंने अपनी बुक प्रैक्टिस करी थी जो मैंने अनअकैडमी के नोट से मेरे को मिला था, और मैंने पीवाईक्यू किया. तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगी कि पीवाईक्यू ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, तो पीवाईक्यू जरूर करें. और आईसीए का स्टडी मैट मैंने नहीं किया, और बेसिकली मैराथन जरूर देखी, क्योंकि मैराथन से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है. इन टाइम पे मेरे जो कंसेप्ट मैं भूल गई थी ना वो सारे रिवाइज हो गए थे. तो मैराथन देख लेना और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेना और पीवाईक्यू जरूर देख लेना. एंड देन टैक्सेशन, टैक्सेशन में तो मेरी बिल्कुल पड़ी हुई थी, मेरे को पता है लास्ट के 20 डेज, और शायद 20 डेज में मैंने सबसे ज्यादा फोकस अपने टैक्सेशन पे ही किया था, क्योंकि टैक्सेशन में ना मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता था. तो मैं क्या कर रही थी, पहले मैं डायरेक्ट टैक्स पे फोकस कर रही थी, बट देन बाद में मुझे समझ आया कि डायरेक्ट टैक्स अगर मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मुझे जीएसटी पे फोकस करना चाहिए. तो आपको डायरेक्ट टैक्स पे फोकस नहीं करना है, जीएसटी पे ज्यादा फोकस करना है. ट्रस्ट मी, जीएसटी आपको पास कराएगा. बस सारा मैंने जीएसटी में पीवाईक्यूज कर लिए थे, क्योंकि जीएसटी के पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ दिसंबर 2021 के टाइम को छोड़ के, क्योंकि वो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था. तो जीएसटी पे फोकस करना, पीवाईक्यू करना उसके भी, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स के आप पीवाईक्यू नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि अमेंडमेंट आती रहती है, बट जीएसटी के आप कर सकते हो. और जो स्पेशली जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं आपके कंपटीशन वाले, वो जरूर पीवाईक्यूज करना, क्योंकि पीवाईक्यू से मेरे को लिटरली, मैंने एंड में डायरेक्ट टैक्स के लिए अपना स्टडी मटेरियल किया था, जीएसटी के लिए मैंने पीवाईक्यूज ही किए थे, और बाकी सारी मतलब नोट्स मैंने प्रोविजंस लर्न कर लिए थे, बस यही किया है. और जीएसटी में तो बल्कि ऐसा भी था कि लास्ट में जो पिछले साल कुछ अमेंडमेंट्स आई थी, वो वाला जो एकदम लास्ट 9th या 10th चैप्टर है, वो मैंने बिल्कुल 2 दिन में किया था, मुझे पता ही नहीं था कि वो भी है, मुझे नहीं पता क्या इशू हुआ था, तो वो बिल्कुल मैंने एंड में किया था. तो बस यही है कि पीवाईक्यू कर लो, और इसके लिए भी मैराथन अगर आप देख सकते हो कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर के लिए, जैसे सप्लाई वाले आप देख लेना, और पीवाईक्यू इज मस्ट है. सो यही कर लो, अगर ये कर लेते हो तो अगर मैं पास हो गई तो तुम भी पास हो जाओगे, क्योंकि मैं हार्ड सब्जेक्ट में मेरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही नहीं था, एंड में मेरी बैंड बजी थी, बट फिर भी मैं पास हो गई. तो आप भी हो जाओगे, टेंशन मत लो. और ये जो 1 दिन 2 दिन ये वाली वीडियो देखना बंद कर दो, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, पर चिल करो, ठीक है, सब अच्छा होगा. सो बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइज फॉर एग्जाम. थैंक यू, डरा.